कैसे आप सब? तो आज हम एक और नया एपिसोड लेके आए हैं क्रेजी किलर भाई के साथ। तो आज हम जाने वाले हैं ओशन मॉन्यूमेंट में। तो उधर जाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, कैसे जाएंगे और किस तरीके से ओशन मॉन्यूमेंट को कंप्लीट किया जाता है वो बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। ओशन मॉन्यूमेंट में जाने से पहले हम लोग को थोड़े बहुत क्या बोलते हैं वाटर ब्रीथिंग के पोर्शन चाहिए होंगे, और हमने पहले भी बताया था वाटर ब्रीथिंग के पोर्शन कैसे बनते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। उससे पहले थोड़े बहुत ग्लास बोतल भर के ले आते हैं पानी की, नहीं तो उसके बिना कैसे काम चलेगा। 1 2 3 4 5 6 तो चलते हैं। दोनों में तीन तीन रख देंगे हम लोग, यहाँ पे 3 1 2 3, और नेदर वॉट डालना पड़ेगा शायद, इधर पड़ा होगा नेदर वॉट, ये रहा 2 ले लो नेदर वॉट। अरे खुल जा, ये गई एक नेदर वॉट इधर, इसको होने दो, फिर इधर भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। 1 2 3, और ये भी गया इधर नेदर वॉट। और उसके बाद हम लोग को चाहिए था पफर फिश, क्योंकि तो शायद फार्मिंग में मिल जाएगा हम लोग को, नहीं इधर वाले में होगा शायद, पैसे वाले में। हाँ ये रहा, तो ये भी हम लोग को 2 चाहिए, दोनों में एक एक। तो इधर देखते हैं शायद इधर हो गया होगा, हाँ हो गया, हो गया ना ऑफर पोर्शन। हाँ चलो इसको भी स्प्लिट कर देते हैं, इसको यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से रेड स्टोन हम लोग को 2 चाहिए होगा, क्योंकि उनकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए रेड स्टोन काम आता है। तो इधर भी कंप्लीट हो गया होगा, इधर भी डाल देते हैं पफर फिश। चलो भाई अब इधर रेड स्टोन जाएगा अब एक एक, तो वेट करते हैं ये बन जाए, फिर रेड स्टोन डाल देते हैं, इससे ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। अभी शायद 3 मिनट की मिलती है इससे, हाँ 3 मिनट की रेड स्टोन डालेंगे तो इस, अब इधर नहीं जाना है, रेड स्टोन डालेंगे तो इसकी ड्यूरेशन 8 मिनट हो जाएगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, दोनों कंप्लीट हो जाए फिर। तो जैसे कि आप देख सकते हो पहले 3 मिनट की थी, अभी 8 मिनट की हो गई है। तो भाई 3 ले लेंगे, मैं 3 ले लूँगा, फिर चलते हैं यहाँ से। इधर का भी हो गया होगा 3, हाँ 3 हो गए। तो चलिए चलते डायरेक्ट ओशन मॉन्यूमेंट के यहाँ, मिलते हैं और बता देंगे कैसे करते हैं उसको। तो तैयारी पूरी हो गई, और जहाँ तक मुझे पता है इसी साइड में ओशन मॉन्यूमेंट है, तो उसी साइड चलते हैं। चलो भाई, चलो भाई देखते हैं इस साइड कहाँ पे है, फटाफट से मिल जाए तो बढ़िया बात है। वैसे तो थोड़ा मुश्किल होता है बेड रॉक में, लेकिन कोशिश करते हैं, तुम्हें भी बताएंगे किस तरीके से आसानी से हो जाता है। और मैं देखता हूँ, मैं भी बहुत टाइम हो गया ओशन मॉन्यूमेंट किया नहीं है मैंने, तो देखते हैं यहीं कहीं था ओशन मॉन्यूमेंट जहाँ तक मुझे पता है, कहाँ गया भाई दिख भी जाए, इधर ही पास में ही तो था, कहाँ चला गया थी? चलो उसको ढूंढ के मिलते हैं तुमसे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा कभी। तो भाई हम लोग को ये देखो ओशन मॉन्यूमेंट मिल चुका है ये रहा, और भाई बोलते ही दे दिया इसने। चलो भाई से मिल लेते हैं, उनको थोड़ा पोषण दे देते हैं, एक पोषण दे देना था उनको भाई। नहीं 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 ये गलत, मैं तेज भी नहीं तैर पा रहा हूँ, रुको हम पहन लेते हैं हम लोग अपना ये आर्मर, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। वो अरे भाई उनसे मिल के आते हैं, अरे भाई रुक जाओ रुको जरा सब्र करो, भाई के पास चलते हैं, इनको भी दे देते हैं पोशन। ये लो भाई नाइट विजन के पोशन, 1 2 और ये 3, नाइट विजन की भी पोशन लेके आ गए थे हम लोग, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा फिर अंदर जाएंगे, तो इसलिए पहले से मैं लेके आ गया था। तो चलते हैं दोनों पोशन पीते हैं और नीचे चलते हैं। ये ले लो पोशन ऑफ नाइट विजन और ये पोशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग, और मोबाइल में वाटर के अंदर क्राउच नहीं होता है नए वाले कंट्रोल से, तो हम लोग ले लेंगे इसकी जगह ये। तो अब चलते हैं नीचे की साइड, एंट्री अगर हम लोग को मारनी है तो देखना, ये देखो ये है, यहाँ से एंट्री होती है, ये देखो ये जी, ठीक है आ जाओ भाई नीचे हो, फिर चलते हैं अंदर। भाई आ जाओ, उनका वेट करते हैं। तो भाई भी आ चुके हैं अंदर, अब चलते हैं एक एक कॉरिडोर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ एक ही तरीका है उनको ढूंढने का कि यहाँ पे ऐसे कॉरिडोर ढूंढने पड़ेंगे। वैसे ज़्यादातर इस साइड में मिल जाते हैं वो, ये कहीं कनेक्ट हो रहा है, हाँ चलो पूरा देखते हैं जहाँ से जैसे हम लोग को दिखता है वो, अब मिलते हैं यहीं कहीं होना चाहिए भाई, पूरा भूल भुलैया टाइप है ये भी ध्यान रखना पूरे आराम से घूम सकते हैं हम लोग इसमें, कहाँ पे क्या है, ज़्यादातर ऐसे बड़ी है, देखो ये रहा मैंने कहा था ना ऐसे बड़े एरिया में मिलेगा बोला, ये मैंने दिख गया। और इसको शॉट से मारना बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसके पास थॉर्न्स होता है, अरे भाई और ये डैमेज बहुत तगड़ा देता है, और ये जैसे इसके ये एरो आते हैं ना, इसके अगर दीवार के पीछे हम लोग अगर छुप जाएंगे तो हम लोग को इसका डैमेज ये मार नहीं पाएगा हम लोग को, तो इसको फटाफट निपटाते हैं। भाई लैग क्यों हो रहा है, लैग क्यों हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, इतना लैग कहाँ है, चल निकल। हाँ
भाई साहब इस पर इसने ड्रॉप कर दिया, और थोड़े बहुत ही शार्ट्स वार्ट्स ड्रॉप करे हैं, ज्यादा कुछ खास ड्रॉप नहीं किया। कभी कभी ये वो क्या बोलते हैं, ये भी वो आर्मर ट्रिम ड्रॉप कर सकते हैं, तीन होते हैं तो चांस रहता है। अब देखते हैं तीनों मिलेगा तब पता चलेगा। अभी तो एक कोई मारा है, दो और मारने हैं तो ढूंढ के उसको मिलते हैं तुमसे। सो गाइस थोड़ा सा इधर आए थे, देखो एक और दिख गया हमें। हम लोग बो से इसको ज्यादा मार नहीं सकते, इसको एकदम पास जाना पड़ेगा बो से मारने के लिए, क्योंकि बो पानी के अंदर ज्यादा दूर तक मार नहीं सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इससे यह होता है कि थॉन्स अटैक, हम थॉन्स नहीं लगेगा हम लोग को। और दूसरा चीज, अगर तुम्हारे पास ट्राइडेंट हो तो ट्राइडेंट भी यूज कर सकते हो। ये तक ये तो मर गई, इसने भी ड्रॉप नहीं किया, क्या ही किस्मत है। 50-50 चांस होता है आर्मर ट्रेन ड्रॉप करने का, लेकिन इसने भी ड्रॉप नहीं किया है। तो देखते हैं और कहीं मिलता, और एक और होता है इधर गार्डियन, उसको भी देखते हैं। दोनों साइड में एक एक होता है, और कितना बार देगा, माइनिंग फटीक है हम लोग के पास। दोनों साइड में एक एक होता है, और बीच में आगे की साइड में एक होता है। तो मैंने बीच दोनों साइड वाला तो मार दिया, बीच वाले की बारी है। तो यहीं कहीं से बीच में जाने का रास्ता होता है, ये देखो। और एक ये चीज, इसके अंदर 8 गोल्ड ब्लॉक मिलते हैं तुम्हें। अभी माइनिंग फटी है तो इसको तोड़ नहीं पाएंगे, फिर भी देखते हैं। अभी इसको ये जरिया, ये एरिया याद कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर एक और ढूंढ के मिलते हैं तुमसे। एक और होगा यहीं कहीं भाई साहब। ये ढूंढ ही रहा था, मुझे लगा था इसमें नहीं होगा इस बंद एरिया, लेकिन ये भी है यहाँ पे। ये हम लोग बाद में तोड़ लेंगे, अभी तो नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि माइनिंग पट्टी है। इधर का भी स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं, तो चलो देखते हैं एक और मिल जाए तो। भाई आखिरी भी हम लोग को मिल ही गया है, एल्डर गार्डियन। इसको भी मारते हैं, इसको भाई को मारने देते हैं, जाओ मारो। अरे इतना देर मत खड़े रहो, एक जगह पड़ जाएगी तुम्हें, वो नहीं काम आएगा इधर ज्यादा। चलो देखते हैं भाई कैसे मारते हैं इसको। वाह, 2 शॉट पड़ गए, 4 शॉट में मर जाती है। शॉट से मारो, शॉट से मारो, एक लास्ट के 2 हिट शॉट से मारो। जाओ क्लोज इन में जाओ, मारो मारो मारो, बहुत सही। क्या आर्मर ट्रिम मिला तुम्हें? मुझे तो नहीं दिखा, क्या क्या ही घटिया किस्मत है। आर्मर ट्रिम जिसके लिए हम लोग आए थे मेन, वो ही नहीं मिला। चलो तो खैर कोई बात नहीं, अब वो जो मेन 2 रूम है वो ले, वो उधर चलते हैं, फिर उधर से मिलते हैं तुम्हें, क्योंकि अब वही 2 चीज़ यहाँ पे बची, और कुछ है नहीं खास यहाँ पे। और हाँ, ये जो ये होते हैं ना, ये डार्क प्रिज्मेरिन, ये सिर्फ तुम्हें यहीं मिलेंगे या फिर एक फार्म बनाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ अगले अगले एपिसोड में हम लोग इसका फार्म बना लेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, एल्डर गार्डियन फार्म, बढ़िया रहेगा, है ना? चलो सही है, ये भी सही है, यही बनाएंगे अगले एपिसोड में फटाफट से। तभी तो देख लेते हैं वो कहाँ गया, हमने जो देखा था बीच वाला, उधर ही चल के वो लेते हैं गोल्ड ब्लॉक येरा 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 गोल्ड ब्लॉक का। ये थोड़ा वेट करते हैं, माइनिंग फटी खत्म हो जाए फिर मिलते हैं तुमसे। तो भाई गोल्ड ब्लॉक देखो, ये रहे 2 गोल्ड 4 गोल्ड ब्लॉक, 8 गोल्ड ब्लॉक इधर मिलते हैं तुम्हें। तो भाई ने थोड़ा सा तोड़ दिया था, थोड़ा और हम निपटा देते हैं इसको तोड़ के अंदर। चल क्या हो रहा है, हाँ भाई इतना भी ऊपर नहीं आना था भाई, नीचे का नहीं तोड़ते हैं, नीचे का नहीं पहले तोड़ तो लो यहाँ। चलो भाई अब चलते हैं स्पंज वाले एरिया में। तो स्पंज वाला एरिया भी यहीं पे देखा था हमने शायद, ये ऊपर था यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, यहीं कहीं था। रुको देख के मिलते हैं, फिर ध्यान नहीं दिखेगा तो फिर स्क्रीनशॉट तो पड़ा ही हम लोग के पास, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट से देख लेंगे। नहीं कहीं था यार, रुको कहाँ गया, बोल ही रहा था मैं, देखो ये रहा ऊपर हम लोग के, इधर ही मैं देख रहा था। तो चलो ये भी तोड़ लेते हैं फटाफट, इसको जल्दी तोड़ने का एक ही तरीका है, अगर तुम्हारे पास हो तो हो से जल्दी टूट जाता है। बाकी मैं अभी लाया नहीं हूँ हो, तो इससे ही तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ते हैं सब फटाफट, देखते हैं कितना मिलता है। हर ओशियन मोन्यूमेंट में नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम चांस में मिल जाता है, तो देख लिया करो, थोड़ा फाइंड करना पड़ता है हम लोग को। ये हो लिया था काश में, इतना जल्दी अभी तक तो टूट जाता है, ये बेल जैसा फटाफट टूटता है वो हो से। खैर कोई बात नहीं, इसका क्या यूज़ होता है वो भी बता देंगे अभी तुम्हें स्पंज का। तो चलते हैं डायरेक्ट घर पे, मिलते हैं तुमसे, क्योंकि यहाँ का काम तो अब खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं खास। बस एक चीज़ अब अगले एपिसोड में करेंगे, क्यों मैं इतना लड़खड़ा रहा हूँ, अगले एपिसोड में करेंगे, इसका फार्म बनाएंगे और यहाँ से बाहर निकलते हैं डायरेक्ट ही तोड़ते हुए। ये रहा रास्ता बाहर निकलने का, सिंपल सा, अभी भी इनसे बच के रहना, ये गायब नहीं होते हैं, ये बहुत, ये भी हिट देते हैं अच्छा खासा। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि इनके आई ऑफ साइट से दूर चले जाओ, ताकि ये मार ना पाए। लेकिन अभी इनके आई ओ साइड में वो तो पड़ रही है,
लेकिन ज्यादा डैमेज देते नहीं है जब हम लोग इतने कम, मतलब इतने ज्यादा आर्मर पहन रखा हमने, तो ये रख देते। हम लोग को क्या क्या मिला है? 19 स्पंज मुझे मिला है। अरे यार वो इधर ही तो पड़ा था, मैं भी पागल हूँ। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, 19 स्पंज यहाँ पे पड़ा है, और थोड़े बहुत ये प्रिजनरिंग के ब्लॉक मिले हैं, और गोल्ड भाई सब। अबे रुक जा, यहाँ से निकल के घर पहुँच के दिखाता हूँ यार तुम्हें, नहीं तो ये परेशान कर देंगे आप। चलो घर के साइड चलते हैं। अबे उड़ जा, क्या हो गया? अच्छा मैंने लाइटर तो पहन ही नहीं रखा हुआ, क्या ही मजाक कर रहा हूँ मैं भी। चलो भाई घर पे मिलते हैं अब डायरेक्ट। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, एक बार और दिखा देते हैं हम लोग को ये स्पंज मिले थे और ये किस काम आते हैं, ये भी दिखा देंगे, और इस बार हम लोग वो लेके चलेंगे। तो स्पंज इस काम आते हैं, जैसे कि अभी इसको पहले हम लोग को ड्राई करना पड़ेगा, देखो वेट स्पंज लिखा हुआ है। तो इसको ड्राई करने के लिए हम लोग दो तरीका यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग फर्नेंस में डाल के कर सकते हैं, या फिर सस्ता तरीका बताता हूँ तुम्हें। सस्ता तरीका ये है कि तुम लोग या तो डेजर्ट में भी जा सकते हो, डेजर्ट यहाँ पे आसपास कहीं मुझे मिला नहीं तो वहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक और जरिया है जहाँ पे सस्ते में हो जाता है, वो है नेदर। और नेदर में क्यों है वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें। भाई साहब थोड़ा बेयर कर लेना, ये मैंने यहाँ पे डुप्लीकेशन मशीन लगा रखी थी। थोड़ा रुको, मिलते हैं थोड़ा आगे जाके। ये मैं थोड़ा नीचे आ गया था जानबूझ के, क्योंकि ऊपर मॉब बहुत ज्यादा आते हैं, वो स्केलेटन बहुत परेशान करते हैं, तो यहाँ पे आसानी से दिखा पाऊंगा। तो देखो जैसे ही मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ये देखो आवाज आ रही है। ये भाई ने हॉर्स को मार दिया, वाह बेचारे हॉर्स, ये सूख जा रहे हैं डायरेक्ट। और ये सारे प्लेस करके दिखाता हूँ मैं एक साथ। ये देखो, अरे पीछे जाने का रास्ता नहीं है क्या? ये सारे सूख गया, मैं इनको तोड़ूंगा, देखना हो से कितना जल्दी टूट जाता है ये। ये देखो इसलिए मैं बोला था वो यूज करने से बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और ये देखो अभी ये वेट स्पंज, सॉरी वेट स्पंज नहीं लिखा हुआ रहा है, डायरेक्ट स्पंज लिखा हुआ रहा है। अब इसका यूज क्या आता है ऊपर चल के अब घर पे जाके बताना पड़ेगा वो। ये देखो भाई यहाँ पे स्पंज सुखा रहे थे, तो यहाँ पे शायद आ गया होगा। ये देखो डायरेक्ट स्पंज लिखा हुआ आ गया ना, ये इसे फर्नेंस में भी हो जाता है। तो एक बार नाइट से डे करके फिर तुमसे मिलते हैं, ताकि कोई मॉब परेशान ना करे, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग सोए नहीं है, तो शायद ऊपर से वो भी आ जाए फैंटम। बहुत दिन तो नहीं, शायद 1 या 2 दिन हुआ होगा, तो पहले सो जाते हैं फिर मिलते हैं तुमसे। तो सुबह भी हो गई और शायद, चलो मौसम साफ है, तो तुम्हें दिखाते हैं अच्छे से एरिया में। कहाँ पे दिखाऊँ? रुको रुको एक सेकेंड रुको, कोई पॉन्ड दिखता है तो वहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि समुन्दर में दिखाने का मतलब नहीं है, पूरा पानी से भरा हुआ है वो। रुको कहाँ दिखाएं, वेट करो एक सेकेंड, मिलते हैं। तो गाइस पहली जो हम लोग फर्स्ट केव में गए थे वहाँ पे था थोड़ा बहुत पानी, मुझे याद आ गया था। देखो ये रहा पानी, ठीक है पूरे में पानी भरा हुआ है। ये देखो पूरा ये इस ब्लॉक तक पानी भरा हुआ, अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ये देखो पानी पूरा सूखा दिया इसने। अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा तो ये पानी भी सूखा देगा। ये देखो अब आगे थोड़ा और रखते हैं, ये पूरा पानी गायब। और इसको अब हम तोड़ेंगे तो ये वेट स्पंज मिलेगा हम लोग को, देखना। ये देखो वेट स्पंज, तो इस काम में आता है ये स्पंज, अगर हम लोगों को कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो काम आता है। तो ऊपर चलते हैं फिर मिलते हैं तुमसे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।